people would introspect on that also. Sri Rajmani Patel. माननीय सभापति जी, आपने इस अवसर पर हमें बोलने का विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन लाखों अमर शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद इस देश में प्रजातंत्र का मंदिर और भारत का संविधान मिला। मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम एक छोटे किसान के परिवार के सदस्य के रूप में राजनीति में आया था और सेवा भावना के आधार पर सेवा को ही अपना अभिमान मान करके सेवा किया। गरीब पिछड़े दलित किसान की आवाज़ के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा और इसी संघर्ष को देख करके हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेष करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो आज देश के युवाओं की अगुवाई कर रहे हैं, उन समस्याओं से लड़ रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमें इस सदन में आने का मौका मिला। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन में आने के पहले राज्य में था, मंत्री रहा, विधायक रहा, लेकिन इस सदन में पहली बार आने का मौका मिला। उसके पहले कुछ सपने देखे थे और कुछ कल्पनाएं किया था। पुराने सदन के मंदिर को देख करके, उनकी कार्यवाही को देख करके सपना देखते थे कि इस सदन में जाएंगे जहां जनता के द्वारा, जनता की सरकार जनता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे और जहां जनता की समस्याओं को सदन पर रखने का अवसर मिलेगा और उसका समाधान भी होगा। संविधान के साये में सभी को समान अवसर मिलेगा, उनके हक और अधिकार तथा स्वाभिमान और सम्मान की गारंटी मिलेगी। लेकिन मंदिर देख करके ऐसा लगा, माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि महलों की नाग फनी हंसती है, महलों की नाग फनी हंसती है, घर की तुलसी रोती है, कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई सूरज बांधे सोता है। माननीय जनता द्वारा जनता की सरकार न हो करके अगर कुछ लोगों के लिए काम करने लगे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। माननीय सभापति महोदय, यहाँ तो सपनों को भी तोड़ा जाता है, मान अधिकारों को छीना जाता है, स्वाभिमान और सम्मान को भी दबाने का प्रयास होता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब किसानों का कर्ज और बिजली का बिल बकाया रहने पर उनको जेल भेजा जाता हो और पूंजीपतियों का कर्ज माफ करता हो, जहां ऐसी व्यवस्था दिखे कि फिल्मों को टैक्स फ्री और कफन पर GST लगाया जाता हो, माननीय सभापति महोदय, कर्जा लेकर के व्यक्तिगत छवि बनाने में खर्च को देश के सम्मान करार दिया जाता हो, प्रश्नों का समाधान करने के बजाय प्रश्नों पैदा करने वाली पार्टी तथा संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जब नजर आई माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से वो सपने टूटते। थैंक यू राजमणि जी, जिधर ये साहब ने कहा था, थैंक यू, अभी हमारे इमरान साहब बैठे, उन्होंने बात कही साहब कि जिधर से गुजरो, जो सम्मान है कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, अबे तो तुम अपेल भी तुम, दलेल भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। माननीय सभापति महोदय, ये प्रजातंत्र के मंदिर से जो आंदोलन की कल्पनाएं जुड़ी हुई है, इसके बाद एक सेकंड माननीय, आज तो माननीय सभापति महोदय 2 मिनट का समय दे दो, ऐसे नहीं मिलता है, सदन में कभी अपनी बात नहीं कह पाते, आज कह रहा हूँ विदाई के अवसर पर। तो राजमणि जी, समस्या क्या है? मैं माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में रहूं या न रहूं, लेकिन सभी बुजुर्ग बुद्धिजीवी अनुभवी सांसदों से जो प्रेरणा मिली है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जहां भी रहूंगा न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। देश की सबसे बड़ी ताकत किसान, गरीब, मजदूर, ST OBC युवा के अधिकार की आवाज़ को बुलंद करना करता रहूँगा। माननीय सभापति महोदय,
मैं माननीय आपका सदन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अंत में इतना ही आपसे कहना चाहते हैं कि सदन में के अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए। दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, दर्द से रिश्ता जोड़िए। उसी के साथ माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूँ, थैंक यू। उमंगों की नदी बढ़ती किसी दिन सूख जाती है। कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है। कहो इन हुक्मरानों से कि भूले नहीं सच को। तिलक के अक्षतों में भी लिखा वनवास होता है। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है, इमरान प्रतापगढ़ी के शेरों को बोलने से पहले 3 बार पढ़ लें। इन्होंने शुरुआत मेरे आने से पहले खड़गे जी के माध्यम से करा दी कि मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा, टेक केयर। इमरान प्रतापगढ़ी तो नहीं रुकेंगे, पर उनके शेर को पढ़ते टाइम 2 बार देखें। एल हनुमंथिया जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी जरूर कोई शेर दिया होगा उन्होंने। सर मैं पोइट्स के खिलाफ नहीं हूं। सर डोंट वरी सर, आई विल नॉट